Assalamu alaikum. Myself Sabiha Badsa. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School. Standard 3, Subject Maths, Chapter 7, Time Goes On. आज हम सीखेंगे Chapter 7 का Workbook का Question Number 8. Details of the daily routine of a Publi are given below. Write the time as shown in the clock in box. देखें हमें यहाँ पर बबली का रूटीन टाइम बताया हुआ है और यहाँ पर जो क्लॉक बताई है उस क्लॉक में हमको उसका टाइम दिया हुआ है. हमें जो टाइम बताया है वही टाइम यहाँ पर इस वाले बॉक्स में लिखना है. इसके आगे वाले वीडियोस में क्लॉक कैसे वर्क करती है, मिनट हैंड कौन सा होता है, आवर हैंड कौन सा होता है, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन मैंने बताई हुई है. तो बेटा यहाँ पर हम इजीली लिख सकेंगे कि यहाँ पर क्लॉक में कितने बजे हैं. नाउ देखिए बबली की डेली रूटीन की लाइफ के बारे में टाइम्स दिए हुए हैं. फर्स्ट जो है गेट अप इन द मॉर्निंग. अब देखिए वो मॉर्निंग में कितने बजे उठती है, तो यहाँ पर आर हैंड जो है वो 6 पर है और मिनट हैंड जो है वो 12 पर है. जब ऐसे होता है तो एग्जैक्ट यहाँ पर टाइम हुआ है 6 o'clock. हम यहाँ पर लिखेंगे सिक्स. चले नेक्स्ट देखें तो टेक्स बाथ एंड गेट्स ड्रेस अप, वो टाइम हमको दिया है 7. यहाँ पर हम लिखेंगे 7. बेटा इसके आगे वाले वीडियोस में मैंने आप लोगों को क्लॉक की पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी है, तो आप इजीली अपने टाइम्स वगैरह सब कुछ लिख सकोगे. नेक्स्ट देखें यहाँ पर आर हैंड जो है वो 7 और 8 के बीच में है और मिनट हैंड जो है वो 6 पर है, तो यहाँ पर हमारा टाइम होगा 7:30. नेक्स्ट गोज टू स्कूल, वो स्कूल कब जाती है. तो देखिए हमारा आर हैंड जो है वो 8 पर है और मिनट हैंड एग्जैक्ट 12 पर है, तो यहाँ पर टाइम हो रहा है 8 o'clock. नेक्स्ट स्टडीज इन स्कूल नाउ 11. टेक्स लंच विथ हर फ्रेंड्स इन स्कूल, अपने फ्रेंड्स के साथ वो स्कूल में लंच कितने बजे करती है, तो एग्जैक्ट 12 o'clock. कम बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वो कितने बजे रिटर्न होती है, सो 2 o'clock. देन यहाँ पर हम लिखेंगे 2. प्लेज विथ फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ वो कितने बजे खेलती है, तो देखें यहाँ पर ये जो है वो आर हैंड है और ये जो है ये मिनट हैंड है, तो आर हैंड जो है वो 5 पर है और मिनट हैंड जो है वो 12 पर है, यानी कि एग्जैक्ट 5 बजे है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे 5. अब देखिए यहाँ पर वॉचेस टीवी, वो टीवी कितने बजे देखती है, सो यहाँ पर टाइम हो रहा है 7 o'clock. यहाँ पर हम लिखेंगे 7.
टेक्स डिनर, वो डिनर कितने बजे करती है? देखें, आर हैंड जो है वो 8 पर है और मिनट हैंड 12 पर है, तो टाइम हो जाएगा 8 o'clock. डज होमवर्क, होमवर्क वो कितने बजे करती है? 8:30. गोज टू स्लीप 9 o'clock. देखिए जैसे ये टाइम बताए हैं वैसे ही आपको भी अपनी वर्कबुक में करना है. यहाँ पर देखिए मेरे टाइम बॉक्स में लिखे हुए हैं बेटा. फर्स्ट वाली एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी, सबका टाइम यहाँ पर लिखा है. आप भी अपनी वर्कबुक में ऐसे कंप्लीट करें. देखिए ये नेक्स्ट पेज जो है हमारा पेज नंबर 124 वाला, उस पर भी जो भी उसका डेली रूटीन बताया हुआ है उसके टाइम्स यहाँ पर लिखे हैं मैंने. आप भी अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करिए और जो भी टाइम है उसे अच्छे से अपनी वर्कबुक में बॉक्स जो दिया है उसके अंदर ही लिखना है. देखिए ये पेज नंबर 125 का है. ये आंसर्स भी आप अच्छे से बॉक्स के अंदर ही लिखिए. देखिए मैंने कैसे परफेक्ट बॉक्स के अंदर ही लिखा है, आप भी ऐसे बॉक्स के अंदर ही आंसर्स लिखोगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जज़ाकअल्लाह.